जय श्री कृष्णा। शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर 17 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं दो पार्ट आपको बता चुका हूँ। उन दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ग्रह कुंडली में कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि वो ग्रह आपके लिए शुभ होंगे, बेनिफिक होंगे, या आपके लिए वो मैलिफिक होंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाले होंगे। तो इस तरीके से मैंने उन दो वीडियोज में आपको बताया था किस तरीके से जो ऋषि पाराशर के नियम हैं उन नियमों के बारे में बताया था। और उसके अलावा दूसरी उससे पार्ट टू मैंने आपको बताया था कि सेकंड और बारहवें भाव के स्वामी वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं, कि वो अपने आप से रिजल्ट नहीं देते बल्कि जिनके साथ वो बैठे होते हैं या जिन जहाँ उनकी दूसरी राशि होती है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं, वो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बताया है। तो अगर आपने वो चीज़ ना देखा हो तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको जरूर देख लें, उसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के संबंध। देखिए, संबंध से ही बहुत कुछ हो जाता है। अब आप ये मानिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी रिलेटिव को पसंद नहीं करते, आपका संबंधी है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो घर पर आएगा तो क्या करेंगे? मतलब पसंद ना करते हुए भी आप उसको अच्छी खातिरदारी करेंगे उसकी। आपको अंदर से पसंद नहीं है, आपको अंदर से एलर्जी महसूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खातिरदारी अच्छी करेंगे, बिकॉज यू हैव टू शो देम कि भाई मैं खातिरदारी अच्छी कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार ग्रहों में होता है। अगर ग्रहों में संबंध बन जाए, किसी भी ग्रह में आपस में संबंध बन जाए, सपोज कीजिए कि किसी मारक ग्रह में संबंध बन गया, या मारक ग्रह का किसी दूसरे मारक ग्रह से संबंध बन गया, अब उस मारक ग्रह की दशा आई और दूसरे वाले मारक ग्रह की अंतरदशा आई, तो क्या होगा? क्योंकि दोनों में संबंध बन गया है तो इतने बुरे फल नहीं मिलेंगे, मतलब थोड़ा फल ठीक ठाक मिलेगा। बुरे में बुरे की दशा है, अंतरदशा है, और दोनों संबंधी हैं, तो जब उसको जानने वाले हैं तो बुरा अगर अपना संबंधी है किसी का तो वो उस बुरे से वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। रिजल्ट तो नेगेटिव होंगे लेकिन इतना रिजल्ट नेगेटिव उसमें नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों में आपस में संबंध है, वो दोनों संबंधी हैं एक दूसरे के, भले ही दोनों बुरे हैं। इसी प्रकार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और किसी मारक ग्रह की अंतरदशा आ गई, लेकिन मारक उस मारक ग्रह में और योग कारक ग्रह में जो मैंने निकाला है कुंडली में, उन दोनों के अंदर रिलेशन है आपस में, तो भी उस योग कारक ग्रह की दशा में जो मारक ग्रह की अंतरदशा है वो आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगी, तो भी आपको शुभ फल दे देगी, क्योंकि वो मारक ग्रह की अंतरदशा भले ही हो लेकिन वो अभी अपने संबंधी के साथ है, तो संबंधी का नुकसान वो नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है लेकिन संबंधी का नुकसान वो नहीं करेगा, वहां पे वो फल ठीक दे देगा। तो इसलिए रिलेशंस होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रहों में संबंध होंगे आपस में उतना ही बहुत अच्छा है। ये ग्रहों का संबंध बन गई वो एक दूसरे की अंतरदशा में बुरा रिजल्ट नहीं देते अगर ग्रहों में संबंध बन जाता है। अब संबंध बनता कैसे है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, कि संबंध होता कितने प्रकार का है और कैसे बनता है। देखिए, एक संबंध होता है सहचार्य संबंध। सहचार्य का मतलब हुआ कि दो ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनमें आपस में एक संबंध बन जाता है, क्योंकि दोनों एक घर में हैं तो दोनों में संबंध बन जाता है। जैसे यहां देखिए कि मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए कि ये नहीं देख लीजिए कि बुध और मंगल ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो मंगल और बुध में दोनों में एक संबंध बन गया कि भाई ये सहचार्य संबंध बना है, कि दोनों साथ बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे की दशा अंतरदशा में, चाहे भले ही कुंडली के हिसाब से ये बारक हों या कैसे भी हों, बहुत बड़ा फल नहीं देंगे। तो इस संबंध बनने से ये चीज अच्छी हो जाएगी इसके अंदर। दूसरा आता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध क्या होता है? दृष्टि संबंध ये होता है कि मान लीजिए कि एक ग्रह यहाँ पे है आपका शनि, और यहाँ पे एक ग्रह आपका है सपोज कीजिए से बुध, ये बुध यहाँ पर है, तो देखिए उन दोनों ग्रहों में संबंध बन गया, क्योंकि शनि बुध को देख रहा है, बुध शनि को देख रहा है। दृष्टि संबंध में ये चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हो, ऐसा नहीं कि शनि की पांचवी दृष्टि है दूसरे वाली दृष्टि नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हो तो आपस में संबंध बन जाता है। तो यहाँ पे शनि और बुध का आपस में संबंध बन गया, जब इनका संबंध बन गया तो एक दूसरे की दशा अंतरदशा में ये आपको नेगेटिव ज्यादा रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही ये मारक ग्रह क्यों ना हो कुंडली के हिसाब से। तीसरा आता है स्थान दृष्टि संबंध। स्थान दृष्टि संबंध क्या होता है? एक रिलेशन और बनता है ग्रहों में, कि सपोज कीजिए कि आपका शनि यहां बैठा है इस घर में, और शनि बैठा है और ये घर किसका है? बुध का है, तो बुध इस घर को देख रहा है। अगर ऐसा हो कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी भी अपने घर को देख रहा हो तो उन दोनों ग्रहों में संबंध बन जाता है,
हालांकि यहाँ शनि और बुध का दोनों का दृष्टि संबंध तो बन चुका है, तो यहाँ पे स्थान दृष्टि संबंध भी इनका दोनों का बन गया, क्योंकि शनि जिसकी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी इधर देख रहा है, तो ये भी संबंध अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लास्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध होता है आपस में, क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध क्या होता है कि सपोज कीजिए मंगल यहां बैठा और शुक्र यहां बैठा, यानी मंगल बैठ गया शुक्र की राशि में, शुक्र बैठ गया मंगल की राशि में, ये क्षेत्र संबंध है आपस में। दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रीटी कर ली, एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया, एक दूसरे के साथ ब्रिज बना लिया कि भाई तुम मेरी राशि में बैठो मैं तुम्हारे घर में हूं। अब जब दोनों एक दूसरे के संबंधी हो गए, एक किसी घर में है दूसरा दूसरे घर में है, तो ये ग्रह कुंडली में चाहे जैसे भी ग्रह क्यों ना हो, मारा ग्रह क्यों ना हो, आपस में एक दूसरे की दशा अंतर दशा में बुरा फल आपको ये नहीं देंगे, कुछ योग भी बनाएंगे आपके लिए, भले ही मारक हो लेकिन आपके लिए योग भी बनाएंगे कुंडली की दशा अंतर दशा में। तो इसलिए आप देख रहे हैं मित्रों की कितनी चीजें संबंधों से मालूम चल जाती है। तो ये तो हुए चार प्रकार के संबंध हमारे कि किस तरीके से आपस में संबंध हो सकता है। सहचारी संबंध, आप अपने साथ साथ बैठे हो, दृष्टि संबंध, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, स्थान दृष्टि संबंध, कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उस राशि को दिख रहा हो वो स्थान दृष्टि संबंध बुलाता है। चौथा होता है क्षेत्र संबंध, जब ग्रह एक दूसरे के उसके अंदर बैठे। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि देखिए अगर केंद्रेश का और त्रिकोणेश का संबंध, केंद्र के स्वामी केंद्रेश लिखता हूं मैं यहां पर, केंद्रेश और त्रिकोणेश के स्वामी, त्रिकोणेश त्रिकोणेश मीन पांचवें नवे भाग का स्वामी का आपस में रिलेशन बन जाए, केंद्रेश रिलेटेड टू त्रिकोणेश, तो ये बहुत ही शानदार योग बनता है, इट्स वेरी नाइस योग। अब ये कैसे कैसे, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनता है, कभी भी किसी भी कुंडली में अगर आप देखिए केंद्रेश को देखिए जो केंद्र के मालिक है उनको देखिए, त्रिकोण के जो मालिक है उनको देखिए, अगर दोनों में आपस में कोई भी संबंध जो चार प्रकार के मैंने बताए हैं अगर वो संबंध उनमें से बनता है तो ये एक बहुत ही शानदार योग होता है जिसमें कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है कुंडली के अंदर एक दूसरे की दशा अंतर दशा में। अब इसको कैसे बताएं, इसमें करने के लिए बहुत एक सिंपल सी चीज है कि आप ये देखिए कि केंद्र त्रिकोण के संबंध कहां कहां बन सकते हैं। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं कुंडली के अंदर कि ये आपका त्रिकोणेश है, ये आपका केंद्र त्रिकोणेश दूसरा है, ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में ये त्रिकोणेश है, त्रिकोणेश यानी ये बुध त्रिकोणेश हो गया आपका, तो बुध ये आपका त्रिकोणेश हो गया। केंद्रेश कौन सा है, केंद्रेश आपका ये दो नंबर इसे मान लेते हैं या पांच नंबर मान लेते हैं, चौथे चौथे हाउस में सूर्य, तो केंद्र से सूर्य हो गया, तो केंद्रेश और त्रिकोणेश अगर दोनों साथ बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं, अगर त्रिकोणी बैठ जाएं सूर्य और बुध यहां पे, तो ये हो जाता है प्लस प्लस प्लस, इतना ज्यादा प्लस रिजल्ट हो जाता है उसका। अगर ये सूर्य और बुध दोनों केंद्र में बैठ जाएं, किसी भी केंद्र में, दो में पांच में इसमें किसी में बैठ जाए, या सूर्य यहां बैठ जाए दोनों, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, प्लस प्लस रिजल्ट होता है इसका, ठीक है ना। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश संबंध ऐसे हो कि वो दोनों या तो केंद्र के अंदर बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब केंद्रेश और त्रिकोणेश में संबंध बना, मान लिया वो ऐसा बना कि वो दूसरे भाव में है सूर्य और बुध, और बारहवें भाव में है या सूर्य और बुध, इस केस में इसके रिजल्ट मीडियम होते हैं, ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, ये रिजल्ट प्लस देगा आपको, क्योंकि ये दोनों भाव दूसरा भाव और बारहवां भाव दोनों समभाव है, तो समभाव में अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध बन जाता है आपस में तो वो सही आपको ठीक रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब मानिए कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध अगर आठवें भाव में बन जाए, सूर्य और बुध यहां पर आ जाए दोनों, तो एक केंद्र का मालिक है एक त्रिकोण का मालिक है, तो ये जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है मारक भाव है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट सब मिलेगा, इन दोनों का संबंध आपको नेगेटिविटी प्रोड्यूस करेगा। अब मान लीजिए केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध एक चीज और रह गया है कि छठे भाव में तीसरे भाव में और ग्यारहवें भाव में इनमें बने, यानी सूर्य बुध यहां हो, सूर्य बुध यहां हो या सूर्य बुध यहां, तब क्या स्थिति है,
तो देखिए अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध, इनको बोलते हैं त्रिस्दय भाव, तीन छह, तीन छह और ग्यारह, इन्हें बोलते हैं त्रिस्दय भाव। केंद्रेश के मालिक और त्रिकोण के मालिक का संबंध अगर त्रिस्दय भाव में हो, तीसरे में हो, छठे में हो या ग्यारहवें भाव में हो, तो अगर उस भाव में राशि है शुभ तो संबंध हो गया बहुत अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर राशि है अशुभ तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब आप देखिए सूर्य बुध अगर यहां बैठ जाए तीसरे भाव में, तो चार नंबर राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा शुभ प्लैनेट होता है, तो इसका मतलब यहां दोनों बैठ के केंद्र से त्रिकोण यहां बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सूर्य बुध अगर यहां बैठ जाए ग्यारहवें हाउस में, तो यहां बृहस्पति की राशि है, अब बृहस्पति भी शुभ होते हैं ग्रह, तो इसका मतलब यहां बैठ गए तो ये हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। और सूर्य बुध अगर यहां बैठ जाए इस राशि इसमें छठे हाउस में, ये शुक्र की राशि है, तो ये रिजल्ट अच्छा देंगे। तो शुक्र भी शुभ ग्रह है, बृहस्पति भी शुभ ग्रह है, चंद्र भी शुभ ग्रह है, तो सूर्य बुध अगर तीन छह ग्यारह भावों में शुभ राशियों में बैठ जाए तो रिजल्ट वो अच्छा देते हैं। अगर इसकी जगह उल्टा होगा, यहाँ पे मान लिया एक नंबर राशि होगी यहाँ बैठ जाते हैं, तो मंगल जो है वो पापी ग्रह कहलाता है, क्रूर ग्रह कहलाता है, तो उस केस में रिजल्ट सूर्य बुध का अच्छा नहीं होता, क्योंकि त्रिस्दय भाव में बैठे हैं तो ये तीन छह ग्यारह भाव में बैठे हैं, दूसरा वो पाप राशि के अंदर बैठे हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर केंद्र का और त्रिकोण के स्वामी का संबंध त्रिस्दय भाव में हो और वहां पे शुभ राशि हो तो वो संबंध पॉजिटिव होता है, अगर वहां पे अशुभ राशि हो, पाप राशि हो, तो वो संबंध नेगेटिव होता है। तो ये मैंने आपको संबंध के बारे में बताया, यहां तक संबंध का। अब मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल एक पहले मैं आपको बताता हूं फिर आपको मैं बताऊंगा ये कुंडली किन की है। अगर हम इसमें रिलेशंस को देखना चाहें इस कुंडली में कि कैसे रिलेशंस देखें, तो देखिए रिलेशंस देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि हमारे ट्राइन लॉर्ड कौन से हैं, त्रिकोण ट्राइन लॉर्ड हमारा कौन सा हुआ, एक तो ये मंगल हुआ, मंगल, दूसरा कौन सा हुआ पांच नंबर ये यहां लिखा हुआ है, तो सूर्य, सूर्य हमारा त्रिकोण, तीसरा कौन सा हमारा हुआ बृहस्पति, क्योंकि लग्न वाला भाव भी जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव होता है, तो तीसरा आपका ये बृहस्पति हो गया। तो ये तीन तो हो गए हमारे ट्राइंगल त्रिकोण के स्वामी। अब देखते हैं केंद्र के स्वामी, केंद्र के स्वामी कौन है, केंद्र के स्वामी, केंद्र के स्वामी अगर हम देखते हैं ध्यान लिखा है तीन नंबर, ये भाव केंद्र का भाव है, यह हो गए बुध, इधर लिखा है छह नंबर यही बुध हो गए, इधर लिखा है बारह नंबर ये बृहस्पति हो गए, ऑलरेडी बृहस्पति हो गए, तो ये बुध और बृहस्पति आपके केंद्र के मालिक, बृहस्पति आप दोनों जगह आ गया, ट्रेन का मालिक भी हो गए और केंद्र के मालिक भी हो गए। अब इसमें आप देखिए कि दोनों में कोई संबंध बनता है क्या आपस में, यानी क्या संबंध कि बुध और मंगल या बृहस्पति और मंगल या इन दोनों में, या इन दोनों में कोई संबंध बनता है, चाहे वो दोनों साथ बैठे हों, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों, या दूसरा ग्रह उस राशि को देख रहा हो, या दोनों दूसरे के क्षेत्र में बैठे हों। तो देखिए अब इसमें अगर आप देखें, सपोज कीजिए हम पहले लेते हैं मंगल जो युवा को, तो मंगल यहां से उठ के यानी त्रिकोण का स्वामी होके दूसरे त्रिकोण में ही बैठा है, तो दूसरे त्रिकोण से संबंध ऐसा बन गया। देखिए ना मंगल यहां का स्वामी होके एक दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है और बृहस्पति जो कि त्रिकोणेश भी है इसके साथ संबंध बन गया, तो इसका मतलब मंगल और बृहस्पति ने आपस में, मंगल एंड बृहस्पति इन दोनों में आपस में रिलेशन हो गया। अब चलते हैं मंगल और बुध में देखते हैं, बुध आपका बैठा है इस कुंडली में मंगल के साथ बैठा है, देखिए बुध केंद्र का स्वामी है, ये सातवां भाव, ये दसवां भाव केंद्र है, तो दोनों केंद्र स्वामी होके त्रिकोण में बैठे हैं मंगल के साथ, तो बुध और मंगल का दोनों का रिलेशन हो गया आपस में, मंगल को दोनों का रिलेशन हो गया, तो मंगल और बुध इसका रिलेशन आपस में हो गया। अब देखते हैं सूर्य बुध का, देखिए सूर्य बैठे हैं आपके इस राशि में, सूर्य मैंने सॉरी इसमें नहीं लिखा है, सूर्य इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, सूर्य बैठे हैं इसमें यहां, तो हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है त्रिकोण के मालिक हैं,
क्या इनका संबंध किसी केंद्र से बन रहा है या किससे बन रहा है? आप देखिए, सूर्य त्रिकोण के मालिक हैं, बैठे हैं बारहवें भाव में, समभाव कहलाता है बारहवां भाव। किसकी राशि में बैठे हैं? मंगल की राशि। इसका मतलब त्रिकोण, दोनों त्रिकोण वालों का भी संबंध आपस में बन रहा है। तो सूर्य मंगल का रिलेशन भी आपस में बन गया। अब देखिए, सूर्य और बृहस्पति के अंदर देखते हैं हम लोग। बृहस्पति हमारे त्रिकोण के स्वामी, बृहस्पति हमारे त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के स्वामी भी है, दोनों केंद्र इनके पास है, ये त्रिकोण भी होता है तो इनके स्वामी भी है, सूर्य त्रिकोण का स्वामी है। तो क्या बृहस्पति और सूर्य में कोई संबंध बनता है? दृष्टि संबंध आपस में नहीं बनता। ऐसा भी नहीं कि सूर्य का स्थान है और सूर्य इनको देख रहे हो, साथी दृष्टि यहां भी नहीं आती, दोबारा संबंध भी नहीं बनता। दोनों एक दूसरे की राशि में नहीं है, बृहस्पति सूर्य की राशि में है और सूर्य मंगल की राशि में है, तो वाला संबंध भी नहीं बनता। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य और बृहस्पति का संबंध इसके अंदर नहीं बनता। अब कौन संबंध इसमें हम देखना चाहेंगे? अब देखते हैं कि हमारा केंद्रेश और कौन सा बच्चा, बुध हमारा इसमें कवर हो गया, बृहस्पति हमारा कवर हो गया, मंगल हमारा कवर हो गया, सूर्य हमारा कवर हो गया। तो हमारे सारे त्रिकोण और केंद्र के हमने संबंध आपस में देख लिए। तो इस तरीके से अब देखिए, आपको मंगल सूर्य बृहस्पति बुध बृहस्पति ये सब आपस में, सूर्य मंगल सब आपस में ग्रह एक दूसरे से संबंधित हो गए। तो देखिए, इतने ग्रह कुंडली के अंदर अच्छे हो गए आपके कि एक ही दशा का दशा में सब आपको अच्छा जड़ लेंगे। क्योंकि जब मंगल का आएगा, मंगल पहले भाव का पांचवें भाव का स्वामी है, मंगल बारहवें भाव का स्वामी है, एक त्रिकोण का भाव है एक समभाव है, तो मंगल इस कुंडली में अच्छा है। साथ में मंगल का रिलेशन बन भी गया बृहस्पति से, दूसरे त्रिकोण से, तो ये तो बहुत ही संबंध हो गया, डबल संबंध हो गया। इसी प्रकार बृहस्पति देखें, अगर हम एक त्रिकोण का है, केंद्र का है, तो बृहस्पति इस कुंडली में बहुत अच्छा है, लग्नेश भी है इस कुंडली में बहुत अच्छा है, दूसरे त्रिकोण में बैठा है तो दूसरे त्रिकोण से संबंध बन गया, सूर्य की राशि में बैठा है तो सूर्य से संबंध बन गया त्रिकोण के मालिक से, तो दोनों ही बहुत अच्छे हो गए। तो यानी ये ग्रह अब आपस में एक दूसरे की दशा अंतरदशा जब आएगी तो रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे और योग बनेंगे आपस में। तो इसलिए ये कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मैक्सिमम ग्रहों में आपस में योग बन जाते हैं। ये कुंडली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, इसीलिए इसी रीजन से इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली है। यही रीजन है कि इसके अंदर इतने सारे योग बनने के कारण ये बहुत ही साधारण परिवार से आए थे और कहां देश के महामहिम बने, देश के राष्ट्रपति के पद पे पहुंचे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपस में संबंधों का कितना यूज है। तो कभी भी जब भी कुंडली देखना आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले कुंडली में देखिए कि आपके कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह आपके अकारक हैं, जो ठीक नहीं है, जो रिजल्ट आपको मैनिफिक देंगे। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि सेकंड भाव और बारहवें भाव के स्वामी आपको रिजल्ट कैसे देंगे, उसका डिसाइड कीजिए। फिर थर्ड डिसाइड कीजिए ग्रहों में आपस में संबंध कैसा है, क्या आपस में साहचर्य संबंध है, क्या आपस में दृष्टि संबंध है, क्या आपस में एक दूसरे की राशि के अंदर बैठे हैं। तो अगर किसी भी दो ग्रहों में संबंध आपस में बन गया इन चार में से, तो समझिए कि आपके वो दोनों ग्रह एक दूसरे की दशा दशा में अच्छा फल देंगे और रिजल्ट अच्छे देंगे। तो आपकी कुंडली में जितने संबंध बन जाए उतना ही स्ट्रॉन्ग कुंडली आपकी हो जाती है। हालांकि त्रिकोणेश आपस में रिजल्ट अच्छा देंगे, त्रिकोणेश यहाँ भी रिजल्ट अच्छा देंगे, त्रिकोण वाले मालिक है जहाँ सूर्य है ये भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर संबंध किसी और त्रिकोण से या केंद्र से बन गया तो बहुत ही अच्छा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि संबंध अगर नहीं बन रहा है कुंडली में आपकी तो वो कुंडली अच्छी नहीं है, कुंडली आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जिनमें संबंध भी साथ में बन जाए वो कुंडली टॉप क्लास होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई चीज़ इसमें आपको ना समझ आई हो तो कभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राहु केतु के बारे में बताऊंगा। आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।